अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। माजी में हमारे मुल्क पर अंग्रेज़ों की हुकूमत रही है, लेकिन अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के ख़िलाफ़ इब्तदाही से जंगें लड़ी गईं। सन ईस्वी 1757 में सिराजुद्दौला ने और सन ईस्वी 1799 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया। उनके बाद भी मुख्तलिफ़ आज़ादी पसंद अफराद और गिरोह अपने तौर पर कोशिशें करते रहे। सन ईस्वी 1857 में अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी के लिए हिंदुस्तानियों ने हथियार उठाए, फिर यह सिलसिला चलता रहा। इसी तरह कई तहरीकें मुल्क की आज़ादी के लिए कोशा रहीं। इनमें मुजाहिदे आज़ादी, मौलाना महमूदुल हसन की रेशमी रुमाल तहरीक भी काबिले ज़िक्र है। इसी तहरीक के 100 साला जश्न के मौके पर दारुल उलूम देवबंद के एक दरवाज़े को मौलाना की यादगार के तौर पर उर्दू दरवाज़ा का नाम दिया गया है। ज़ेल के मज़मून में मौलाना की ज़िंदगी और कारनामों का तस्करा मौजूद है।